यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जानलेवा निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल में अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर सावधान रहने को कहा है। हालांकि हिमाचल में अभी तक इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों की वजह से यहां भी वायरस के पहुंचने की आशंका अब बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अभी से इसे लेकर सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर बलदेव कुमार ने कहा कि दक्षिण भारत में निपाह वायरस के मामले सामने आने के बाद से हिमाचल अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि निपाह वायरस जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। इसके संक्रमण से सांस लेने से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर जानलेवा इंसेफ्लाइटिस भी अपनी चपेट में ले सकता है, जिसमें दिमाग को नुकसान होता है। इससे मरीज कोमा में भी जा सकता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई एंटीडोट इस बीमारी का नहीं बना है। इसकी चपेट में आने के बाद यह वायरस 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिर दर्द की वजह बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अस्वस्थ करना चाहता हूं कि जब यह विषय हमारे ध्यान में आया, हमने पिछले कल हिमाचल प्रदेश के तमाम सीएमओज को, तमाम मेडिकल अफसर्स, मेडिकल कॉलेजेस, जितने स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ पर अलर्ट और यहाँ से एक अधिसूचना जारी की है कि इसमें कोई भी कमी कोताही ना बरती जाए और कहीं पर भी कोई भी ऐसा मामला या कुछ छोटे मोटे लक्षण ध्यान में आते हैं तो उसको प्राथमिकता पर डील किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो हिमाचल में निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में खबर सिरमौर जिले से है, जहां पर बर्मा पापड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चमगादड़ों के मृत मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और वन विभाग, पशुपालन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों को घटना स्थल पर भेजा गया। संयुक्त टीम ने चमगादड़ों के ब्लड सैंपल लिए और फिर उन सभी को सावधानी पूर्वक जमीन में दबा दिया गया है। ये ब्लड के नमूने जांच के लिए जालंधर और पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। एहतियात के तौर पर स्कूली बच्चों और स्टाफ सदस्यों को मृत पक्षी और पशु से दूर रहने के लिए कहा गया है। आजकल जैसे केरला की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो ये वेट्स हैं इनमें एक नया वायरस जो है, हालांकि नया तो नहीं है, हमारी तरफ से मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से तो ये बड़ा पुराना वायरस है जो इन वर्ड्स में होता है और पिग्स में भी होता है, निपाह वायरस। तो जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 लोग जो हैं वो केरला में निपाह वायरस की वजह से और एनसेफलाइटिस की वजह से उनकी डेथ होगी, तो ये स्वाभाविक था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए तो देखा कि वाकई यानी कि 10-12 वर्ड जो हैं वो मरे पाए गए, सैंपल्स भी इनके वेटरनरी डिपार्टमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिए। पिछले 2 दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये बैट्स आ रहे हैं और लगातार जब हम धुआं करते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आ जाते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बच्चों को इन सबसे बचा कर रखें। जिलाधीश महोदय से बात की है कि जो चमगादड़ वहाँ पर एक दर्जन के लगभग मृत पाए गए हैं, उसके क्या कारण है, वहाँ पर हमारा जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसने उसके सैंपल्स लिए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो गहराई से उसकी छानबीन कर रहे हैं कि आखिर उनके मृत होने का कारण क्या है। वो रिपोर्ट भी आज तक शायद शाम तक हमें प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम कोई भी छोटा मोटा जो भी मामला या कोई इस प्रकार के लक्षण ध्यान में आ रहे हैं उसको हम महत्वपूर्ण समझ करके काम करने के लिए आतुर हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या है निपाह वायरस और इसके बचाव और लक्षण के बारे में। निपाह वायरस का प्रकोप भारत में देखने को मिल रहा है। केरल के बाद अब हिमाचल में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं क्या है निपाह वायरस।
ये तेजी से उभरता वायरस है जो जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। वायरस को पुराने चमगादड़ ले जाते हैं जिन्हें फ्रूट बैट भी कहा जाता है। 1998 में मलेशिया की कंपंग सुंगाई निपाह से इसका पता चला था और वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सुअर बनते थे। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए। निपाह वायरस से होने वाली इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? 5 से 14 दिन तक इसकी चपेट में आने के बाद ये वायरस 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिरदर्द की वजह बन सकता है। 24 से 48 घंटों में मरीज कोमा में पहुंच सकता है। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने में समस्या होती है, जबकि आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी होती हैं। दिमाग में सूजन होने लगता है, तेज बुखार और सिरदर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ऐसे में बताते हैं आपको कैसे इस वायरस से बचाव किया जाए। फल ना खाएं, उस व्यक्ति के नजदीक न जाएं जो इस वायरस से पीड़ित हो। इस वायरस की वजह से जिनकी मौत हुई हो उनके शव से भी दूर रहें। अगर आपको तेज बुखार हो तो अस्पताल जाएं। बचाव के इन रास्तों का पालन करके इस निपाह वायरस से काफी हद तक बचाव मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।